हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे डिस्क का। पिछली वीडियो में रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था, जैसे ये कुछ रिंग का होगा। अब रिंग के केस में क्या होता है कि आपका जो मास होता है पूरा बॉडी का, वो एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पे सिचुएटेड होता है, तो उसको हम लोग रिंग बोलते हैं। तो इस रिंग के सेंटर से अगर कोई एक्सिस पास हो रहा हो और वो एक्सिस इस रिंग के परपेंडिकुलर है, इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लास्ट वीडियो में निकाला था। अब इसी रिंग के जगह पे क्या आ जाएगा, एक डिस्क आ जाएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। डिस्क में क्या होता है, आपका जो पूरा का पूरा मास है वो सिर्फ सर्कमफेरेंस पे सिचुएटेड नहीं होता, बल्कि पूरे सर्कल के प्लेन में सिचुएटेड होता है। तो इस तरीका का जो है ऑब्जेक्ट, वो हम बोल सकते हैं कि वो डिस्क है, राइट। जैसे कि सीडी मार्कर, सीडी आता है ना आपका, सीडी ड्राइव, वो सीडी ड्राइव जो है वो भी एग्जांपल होता है एक डिस्क का, इसको हम लोग डिस्क मान सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे क्या है, पूरे सर्कल में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे प्लेन में, ओके। तो अगर सपोज करो ये इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, राइट। तो और जो एक्सिस है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे अंदर जा रहा है, मतलब ये ऐसे घूम रहा है ना, इस तरह से ऐसे घूम रहा है। तो एक्सिस इसके सेंटर पे जा, सेंटर से पास हो रहा है एंड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। इसको हमने ऐसे रखा हुआ है और ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे से घुमा रहे हैं। तो एक्सिस ऐसे सेंटर से पास होकर इस डिस्क के परपेंडिकुलर है, ओके। ये यहाँ पे मैंने ऐसा बना रखा है। और इसको अगर मैं सपोज करूँ ऊपर से देखूँ ऐसे, ठीक है ना, इसको ऊपर से देखूँ तो मुझे ये वाला पार्ट ऐसे नज़र आएगा, ठीक है, ऐसे घूमते हुए। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे बना रखी है कि आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये पूरा सर्कल ऐसे दिखाई देगा जो कि ऐसे घूम रही है और एक्सिस इसके बीचों बीच पास हो रही है। तो इस एक्सिस के अलॉन्ग हमको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। इसको देख के हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेशन देखो कैसे करना है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, ये हमको पता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस पूरे के पूरे डिस्क को ये इमेजिन करेंगे कि ये छोटे छोटे पतले पतले रिंग से बना हुआ है ना। जैसे कि ये डिस्क है पूरा, ये पूरा का पूरा डिस्क है, तो हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि ये छोटे छोटे पतले पतले रिंग से बना हुआ है पूरा। तो ऐसा ही एक रिंग मैं यहाँ पे इमेजिन कर रहा हूँ इस पॉइंट पे। मान लो एक रिंग ऐसा हमने इमेजिन किया, एक छोटा सा पतला सा रिंग विच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो डिस्क का जो सेंटर है उससे आर डिस्टेंस पे ये हमने एक रिंग इमेजिन किया। सी, पूरे डिस्क का जो रेडियस है वो कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल आर क्या है, इस रिंग का आप रेडियस बोल सकते हो, और या फिर सेंटर से आर डिस्टेंस पे हमने एक रिंग इमेजिन किया है, ये वाला पार्ट। इसको हम लोग इस तरह से शेड कर सकते हैं। इस रिंग का जो थिकनेस या फिर विड्थ बोलो, इस रिंग का जो विड्थ है, मतलब ये कितना मोटा है ये रिंग, ये जो विड्थ है इसको हम डी आर मान लेते हैं। डी आर इज द विड्थ ऑफ दिस रिंग, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है रिंग का वो क्या है, डी आर है। और ये डी आर आर के कंपेरिजन में बहुत ही छोटा होगा, राइट। चलो ये यहाँ तक समझने के बाद अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे ना इस रिंग का एरिया कैलकुलेट करना है। ये भी जो भी पार्ट दिख रहा है ना शेडेड पार्ट, ये रिंग का एरिया है, उसका कैलकुलेट करना है। सो एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, जैसे एरिया ऑफ रिंग हम लोग डी ए मान लेते हैं, अगर मैं ये लिखूं 2πr(dr) तो चलेगा क्या, दिस इज द एरिया ऑफ दिस रिंग, कैसे बताऊं। देखो एक काम करो, इस एरिया, इस रिंग को है ना किसी बीच वाले पार्ट से ऐसे ऐसे कट कर दो, ऐसे तोड़ दो, कट कर दो, और कट करने के बाद पूरा ऐसे निकाल के ऐसे स्प्रेड कर देना। तो जब आप ऐसे स्प्रेड करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, ध्यान देना। इसी को मोड़ के हम लोग ये रिंग बना सकते हैं। तो किया क्या, यहां से बीच में से कट किया, निकाला और ऐसा पूरा स्प्रेड कर दिया। तो स्प्रेड करने के बाद, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो डी आर है हमने अज्यूम कर रखा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी डी आर, ठीक है। और ये जो लेंथ होगा इसका, दैट लेंथ इज नथिंग बट दिस सर्कमफेरेंस ऑफ दिस रिंग, क्योंकि इसी को निकाल के ऐसे स्ट्रेच कर दिया ना, तो इसका पूरा लेंथ इट इज नथिंग बट दिस सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr होता है, तो ये लेंथ 2πr हो गया।
अब यहाँ पे क्योंकि dr बहुत छोटा है तो हम मान सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बन गया, और इसका जो एरिया है, दिस एरिया इज नथिंग बट एरिया ऑफ द रिंग। इसका आप एरिया निकालोगे मतलब रिंग का एरिया निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है हमको, तो इसका एरिया क्या होगा बताओ, 2πr लेंथ है मल्टीप्लाइड बाय इसका ब्रेथ जो कि dr है। सो दिस इज द एरिया ऑफ द रिंग, वही लिखा है हमने यहाँ पे, आई होप समझ में आ गया हो। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो डिस्क है, इस डिस्क का हम लोग एक यहाँ पे प्रॉपर्टी या क्वांटिटी डिफाइन करने जा रहे हैं, एंड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, मास, टोटल मास डिवाइडेड बाय वो मास कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज मास अपॉन एरिया। तो अगर इस डिस्क का मास अपॉन एरिया निकाला, इसको हम बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ नहीं सॉरी पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा का वैल्यू का मतलब ये कि इस पूरे डिस्क में एक यूनिट एरिया, यूनिट एरिया मतलब मैं लू, यूनिट एरिया का मतलब क्या होता है, अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में कितना मास सिचुएटेड है, कितना मास है, वो आपको सिग्मा का वैल्यू देगा, ठीक है। तो जैसे किसी ने कहा कि भाई सिग्मा का वैल्यू है 5 kg/m², तो इसका मतलब इसके 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में कितना मास है, 5 kg का मास है। 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में 5 kg का, अगर ये पार्ट में देखूं 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, तो आपको 5 kg का मास मिलेगा। तो सिग्मा का वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना, हर एक 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में कितना मास है, ये आपको बताता है, क्लियर है। अच्छा, निकालेंगे कैसे, मास पर यूनिट एरिया इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले से अगर हम लोग निकाले तो बताओ इस पूरे डिस्क के लिए सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, मास अपॉन एरिया। एक काम करते हैं इसको यहीं पे निकाल लेते हैं, बताओ क्या आएगा। मान लेते हैं कि इस पूरे डिस्क का मास कैपिटल एम है और एरिया सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सो इट विल बी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर, लेट दिस बी इक्वेशन वन। ओके, सिग्मा का वैल्यू निकल आया। अच्छा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करें, तो मैंने आपको बताया था कि जब एक कंटिन्यूस बॉडी होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, तो हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। पहले एक बहुत छोटे से पार्ट का मास, बहुत छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और बाद में पूरे बॉडी के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो छोटा सा पार्ट है वो रिंग है, रिंग हमने कंसिडर किया है, ठीक है। और हमारा जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हम क्या सोच रहे हो, देखो जैसे ये पूरा डिस्क है तो क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइड कर दो, पतले पतले रिंग्स में, और हर एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, और हर एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद उसको ऐड कर दो, ठीक है। अगर ये नंबर ऑफ रिंग्स इनफाइनाइटली लार्ज हो जाते हैं, नंबर इनका लगभग मतलब इनफाइनाइट तक चला जाता है, तब इसी प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन बोल देते हैं, समझ में आ रहा है। तो हम इंटीग्रेशन के प्रोसेस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो पहले क्या करना है, ये जो रिंग दिख रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। अब रिंग के केस में देखो क्या होता है, एक रिंग इस एक्सिस के अलोंग अगर सपोज करो घूम रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, रिंग का मास मल्टीप्लाइड बाय उसका जो रेडियस है उसका स्क्वायर, एम आर स्क्वायर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये याद रखो। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं एम आई शॉर्ट में लिख रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग दैट इज डी आई, क्या होगा बताओ। डी आई इसलिए क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा, क्योंकि छोटा सा रिंग है ये। तो क्या बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होता है, इस एक्सिस के अलोंग एम इंटू आर स्क्वायर, इसका मास मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। ये जो छोटा सा पार्ट है इसका मास हम लोग डी एम मान के चलते हैं, छोटा सा मास डीएम, इस रिंग का मास डीएम है, और यहां पे क्लियरली दिख रहा है इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बताओ, मास मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द रिंग, ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। और फिर मैंने क्या कहा था कि आपको क्या करना है बताओ, अगर पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज गिवन बाय क्या होगा, I दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, और इंटीग्रेशन ऑफ डी आई मतलब डी एम इंटू
आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई और डी एम इंटू आर स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक? देखो रिंग जो है, रिंग का सबसे छोटा रेडियस क्या हो सकता है, मतलब आर का वैल्यू क्या हो सकता है? अब देखो रिंग को छोटा करते जाओगे तो वो सेंटर तक आ जाएगा, सेंटर तक आएगा तो उसका रेडियस का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो रिंग का सबसे छोटा वैल्यू जीरो हो सकता है। अच्छा इसका सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा बताओ? वो बाहर वाले रिंग का होगा। तो बाहर वाले का जो रिंग होगा उसका रेडियस वो कैपिटल आर हो जाएगा, सो कैपिटल आर। तो हमको क्या करना है, आर का वैल्यू जीरो से लेकर कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर देना है। इससे क्या होगा, आपको पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, राइट? ओके चलो इसको इक्वेशन टू डाल देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये डीएम जो है वो सिग्मा के टर्म्स में लिखना है, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। तो कैसे लिखोगे? इस रिंग के लिए देखो ये जो रिंग है उसका मास पर यूनिट लेंथ सिग्मा और ये पूरे डिस्क का सिग्मा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। इनफैक्ट आप कोई भी छोटा सा पार्ट ले लोगे तो उसका सिग्मा का वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका जो डिस्क है वो एक यूनिफॉर्म डिस्क है, मतलब यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे कम ज़्यादा नहीं है। तो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मास पर यूनिट लेंथ उसका कॉन्स्टेंट होगा। तो हम क्या करते हैं, रिंग का मास पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिंग का क्या आएगा बताओ, फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन एरिया। तो इस रिंग का मास क्या है, रिंग का मास हमने डीएम ले रखा है, सो डीएम। अच्छा रिंग का एरिया क्या है बताओ, एरिया यहाँ पे रिंग का एरिया निकाला है 2πr इंटू डी आर, ठीक है। तो यहाँ से आपको डीएम का वैल्यू मिल जाएगा, सो डीएम विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 2πr इंटू डी आर। अब इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट दिस इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जब आप डाल दोगे इसको तो बताओ आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से लिखते हैं आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम के जगह पे ये आ जाएगा सिग्मा 2πr इंटू डी आर, सिग्मा 2πr इंटू डी आर। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक, मैं सीधा यहाँ पे 0 से r तक लिख रहा हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन में जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं अंदर, वो कॉन्स्टेंट्स इंटीग्रेशन के बाहर आ जाते हैं। तो जब हम लोग इसको अलग अलग साइज के रिंग को इमेजिन कर रहे हैं तो वहाँ पे देखो उनका जो रेडियस आर है ये आर चेंज होता जाएगा जीरो से लेकर कैपिटल आर तक। लेकिन उसके अलावा जो सिग्मा है मैंने बताया था वो कॉन्स्टेंट होता है, सिग्मा 2πr, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं जो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। सो ये आई विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 2πr इंटीग्रेशन ऑफ आर इंटू डी आर। अच्छा यहाँ पे एक सेकेंड, ये डी एम का वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट किया, सिग्मा इंटू 2πr इंटू डी आर, ये डी एम का वैल्यू डाला है, लेकिन आर स्क्वायर और है ना यहाँ पे, तो ये आर स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये होगा कंप्लीट। तो देखो सिग्मा 2πr, 2πr ये तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, राइट। अब आर डी आर और आर स्क्वायर ये अंदर रह जाएंगे, सो इट विल बी आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब इंटू डी आर, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर। सो दिस आई विल बी इक्वल टू सिग्मा 2πr सिग्मा, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब डी आर। तो अब इंटीग्रेशन आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन इज एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन इज एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो अगर मैं एन की जगह पे 3 लिख दूँ तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस वन यानी कि एक्स रेस टू 4 अपॉन 4। तो बस यही फॉर्मूला यूज करना है, एक्स क्यूब का एक्स रेस टू 4 अपॉन 4, सो आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, आर रेस टू 4 अपॉन 4 एंड फ्रॉम 0 टू आर, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, पहले अपर वैल्यू डालो यानी कि अपर लिमिट आर डालना है आर के स्मॉल आर के जगह पे, तो ये हो जाएगा आर रेस टू 4 अपॉन 4, माइनस लिखना है फिर, और उसके बाद फिर स्मॉल आर के जगह पे लोअर वैल्यू डालना है लोअर लिमिट का, दैट विल बी 0। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 पाए सिग्मा का फर्स्ट इक्वेशन में जो वैल्यू निकाला था वो डाल दो, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, सो इट विल बी एम अपॉन पाई आर रेस पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, बाकी क्या है, आर रेस टू 4 अपॉन 4 है। तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 वन ज़ा 2 टू ज़ा आर स्क्वायर
टू बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचा देखो, वन बाय टू मल्टीप्लाइड बाय एम इंटू आर स्क्वायर, सो इट विल बी वन बाय टू एम आर स्क्वायर. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क. तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया, आई इज इक्वल टू वन बाय टू एम आर स्क्वायर, राइट. थैंक यू.